नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। या श्री स्वयं सिकितनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्वम। तो विश्व की कल्याण की कामना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आज नवमी के इस बेहद शुभ अवसर पर। और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, नवमी को और खास बनाने के लिए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी। तो आज है महानवमी। आज अगर आपको नवरात्र की 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त करना है, अपने कष्टों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, किस्मत के सितारों को अगर आप बुलंद करना चाहते हैं, तो इस महानवमी के शुभ अवसर पर कौन से महा उपाय, महान ऐसा कौन सा महादान है, महाअभिषेक है, महापाठ है जो आपको आज जरूर करने चाहिए, यही बताएंगे आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। क्योंकि कल्याण तभी करेंगी देवी दुर्गा जब आप कर्म करेंगी। तो बने रहिए कालचक्र की खास पेशकश के साथ। तो जब आज महानवमी का दिन है तो सबसे पहले तो आज, क्योंकि हर दिन का महत्व हम आपके साथ जरूर साझा करते हैं पंडित जी, मैं नवरात्र में नवमी यानी कि समापन, माँ के जाने का वक्त, नवमी का महत्व क्या है पंडित जी, आज सबसे पहले तो यही समझाइए। और 2 दिन की नवमी पड़ रही है, कुछ ऐसा भी संयोग बन रहा है क्या, इसके बारे में भी बताइएगा। देखो नवरात्र को नवरात्र इसीलिए कहा जाता है कि 9 दिनों का होता है जी, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि नवरात्रियां होनी आवश्यक है। कभी कभी नवरात्र 8 दिनों का भी होता है, ठीक है, लेकिन 9 तिथियों का भोग होने के कारण इसे नवरात्र कहा गया है। जैसे इस वर्ष आज 11 तारीख को नवमी 12:01 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नवमी कल सुबह तक रहेगी, कल दोपहर तक रहेगी। तो जो लोग नवमी के चौथे चरण में हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो लोग तो 12 तारीख को सुबह करेंगे, और जो लोग नवमी पूजते हैं वो लोग आज शाम को भी कर सकते हैं, दोष नहीं होगा। वैसे निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि नवरात्र का पारणा 10वीं तिथि में की जाती है। नवरात्र के जो 9 दिन व्रत करते हैं वो लोग मतलब कि जो है अन्न ग्रहण करते हैं 10वीं तिथि में, लेकिन उसी में उसी निर्णय सिंधु में देवल का मत है कि नवरात्र की पारणा नवमी के चतुर्थ चरण में भी की जा सकती है, जो कि 12 को पड़ रहा है। हाँ, जो 12 बजे के पहले नवरात्र का जब चौथा चरण चल रहा हो तो उस समय भी पारणा की जा सकती है, ये देवल का मत है। और ढेर सारे विद्वानों का मत ये है कि नवरात्र का पारणा 10वीं के प्रथम प्रहर में करनी चाहिए, नवमी के बाद करनी चाहिए। अच्छा। और दोनों ही विधान मान्य हैं, दोनों को ही मानने वाले लोग समाज में हैं, नवमी के चौथे चरण में भी अन्न ग्रहण करने वाले और 10वीं के पहले चरण में भी अन्न ग्रहण करने वाले दोनों समाज में मौजूद हैं। ये निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवमी के चौथे चरण में भी पारण हो सकता है नवमी के 9 दिनों के व्रत का, ठीक है, कन्या को भोजन कराने के बाद। हाँ हाँ, लोग पारण कर सकते हैं जी। तो देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे ति कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंध माते ति खष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम जो है वो सिद्धिदात्री है, नवमम सिद्धिदात्री च, नौवीं जो शक्ति है माँ का वो सिद्धिदात्री का स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री की सवारी जो है वो सिंह है, और कमल के फूल पर ये सर्वदा विराजमान रहती है। मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा के 8 सिद्धियों की बात बताई गई है,
अगर ध्यान से सुनेंगे, ये सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। अरिमा किसी भी आकार को परमाणु के आकार जितना छोटा करने की सामर्थ्य रखने वाला अरिमा सिद्धि का मालिक होता है। महिमा किसी के शरीर को असीम रूप से बड़ा करने वाला, फैलाने वाला ये है। हनुमान जी के अंदर ये दोनों कला थी। मसक समान रूप कप धरी, लंका ही चले उस सुमिर नर हरी। और दूसरा वर्णन हनुमान जी का सुंदरकांड में आता है, जस जस सत जो जन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा ने सौ योजन तक आने को किया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाकर और उसके पेट में घुस गए और फिर बाहर आ गए। बोले माँ तुमने कहा था ना तुम्हारे पेट में मुझे जाना है, तो मैं गया भी आया भी, अब प्रणाम करता हूँ, अब जाने की आज्ञा दो। तो कहने का मतलब ये सिद्धियों का ही प्रकाश था जो हनुमान जी के अंदर ये विद्यमान थी। तो अब गरिमा, तीसरी शक्ति गरिमा है, असीम रूप से भारी हो जाना माने बहुत वजनी हो जाना, ये भी हनुमान जी के अंदर थी ताकत। एक बार भीम जी को उन्होंने अपनी पूंछ उठाने के लिए कह दिया था और भीम जी परेशान हो गए, उनकी पूंछ नहीं उठा पाए। लघिमा असीम रूप से प्रकाशमान होना, प्राप्ति सर्वव्यापक होना, प्राकाम्य जो कुछ भी चाहें आप वो प्राप्त हो जाए, इसित्व प्रभुता आपके अंदर आ जाए, वसित्व सभी पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आपको मिल जाए। इन सभी आठों सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माँ हैं। इन्हीं माँ का एक रूप माँ जगत जननी जगदम्बा सीता भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जगत माता हैं वो। और आप पूरा सनातन धर्म की पुस्तकें उठा के देख लीजिए, शास्त्र उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, अजर अमर होने का वरदान किसी को न ब्रह्मा ने दिया है, न शिव ने दिया है, न विष्णु ने दिया है, केवल जगत जननी जगदम्बा माँ सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। अजर अमर होने का वरदान अगर हनुमान जी को किसी ने दिया है तो जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने दिया है। और ये जितनी हमारी देवियां हैं सब सीता की ही स्वरूप है। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काम्यमा परा, उन्हीं के अनेकानेक रूप हैं। तो कहने का मतलब यह है श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। आपको लग रहा होगा कि ये तो शिव जी को छोटा कर रहे हैं, शक्ति को बड़ा कर रहे हैं। अरे ऐसा कोई मेरी मनसा नहीं है। शिव में से अगर ई निकाल दिया जाए तो शिव सब हो जाते हैं। शिव के साथ जब शक्ति का संयोग होता है तभी शिव कल्याणकारक होते हैं। इसलिए मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। ये शिव शब्द में से ई अक्षर जो शक्ति का वाचक है इसको निकाल लीजिए तो देखिए शिव क्या बचता है, शव। शव माने आप जानते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब इसी स्वरूप की उपासना करने से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था और जिसको ब्रह्मदेव ने देख करके सृष्टि की रचना की। नवग्रहों में मां सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर आधिपत्य है। वह सर्वोच्च सत्ता है जो अपने भक्त के विचारों को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग भी लगाना चाहिए। अब तिल का भोग कहने का मतलब नहीं कि कटोरी में चार दाने तिल रख के आपने भोग लगा दिया और आपका काम छुट्टी, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे उन्हें आप अच्छे से नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में क्या समर्पित करें, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितई व्यंजनई पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम
नैवेद्यम सुर कामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन मुदे। खूब बढ़िया बासमती का चावल पकाइए और उसको देसी घी और जीरे से छौंक लगाइए और उसके बाद खूब पवित्रता के साथ कढ़ी बनाइए और एक कटोरी में दही एक कटोरी में शहद रखिए और ये बासमती चावल थाली में रख करके कटोरी चम्मच में कढ़ी और शहद रख करके दही रख करके एक एक चम्मच उसमें डाल दीजिए और यही भोग प्रसाद के रूप में माता के सामने प्रस्तुत करिए। इसमें तिल की बनी हुई अगर कोई मिठाई भी रख सकते हैं तो सोने पर सुहागा का काम करेगा। नैवेद्यम निवेदयामि ये कल्याणकारक होता है। प्रसाद भोग के बाद कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए तो नवरात्र की नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का उपासना करने वाले को कभी मृत्यु का भय नहीं होता। अनहोनी घटनाओं से भी उसकी रक्षा होती है। जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जिता। भगवती की आराधना करने वाला कितने वर्ष तक जीता है? जीवेत वर्ष शतम 100 वर्ष तक जीता है। सांग्रप मृत्यु विवर्जिता और इसके पहले मृत्यु उससे वर्जित हो जाती है। यावत भूमंडलम धत्ते सैलबन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की। जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहते हैं तब तक उसका वंश इस पृथ्वी पर निवास करता है। ये भी हमारे यहाँ दिव्या कौचम में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। हाँ, नवमी तिथि पर आंवले का सेवन भी करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब संतान सुख निरोगी काया धन संपत्ति यश कीर्ति पापों से मुक्ति चाहने वालों को आज महानवमी पर माँ दुर्गा का किन चीजों से महाअभिषेक करना चाहिए, क्योंकि सिद्धिदात्री कहा जाता है और हर कामना को सिद्ध करने वाली देवी है माँ सिद्धिदात्री। तो ऐसे में आप किस इच्छा के साथ किस प्रकार पूजन अर्चन करें माँ का, आज पंडित जी क्या बताएंगे, ये तमाम कामनाएं कैसे पूर्ण हो, माँ की किस चीज से अभिषेक करने से कौन से चीज की प्राप्ति होती है, किसी इच्छा की पूर्ति होती है? मार्कंडेय पुराण से ही दुर्गा सप्तशती का प्रादुर्भाव हुआ है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम सुभाम। यही संपूजिता नित्यम, जो नित्य भगवती की आराधना, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय, प्रसाद से धन से भोजन से जो उनकी पूजा करता है, ददाति वित्तम उसे धन देती हैं। धन किस लिए देती हैं? कि उन्हें पुत्र देना है। ददाद वित्तम पुत्राना, पुत्र देती हैं ताकि उस धन का सदुपयोग करे। और सदुपयोग कैसे करे? ददाम वित्तम पुत्राना मति, अच्छी मति भी देती हैं, कहीं ऐसा कुल में ना नालायक पैदा हो जाए कि सब दुर्व्यसन में ख़त्म कर दे। ददाद वित्तम पुत्राना मति, सुंदर मति भी देती हैं और अंत में क्या देती हैं? गतिम सुभाम, सुंदर गति देती हैं, जिसके लिए जन्म जन्म मुन जतन कराही अंत राम उर आवतनाही, जिसके लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं कि हमारा अगला जन्म सार्थक हो जाए, हमारा अगला जन्म बन जाए, वो सहज में ही भगवती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके उनके जन्म को उनके गति को शुभ बना देती हैं, जो उनके ऊपर आश्रित हैं, जो उनके चरणारविंदों का अवलोकन करते हुए उसका आश्रय लेकर के जीवन जी रहे हैं। भगवती उन्हें सहज ही मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। जय माँ विंध्य। अलग अलग कामनाओं के लिए पंडित जी, क्योंकि हाँ, नवमी पर माँ दुर्गा को गाय के दूध से अगर आप स्नान कराते हैं तो संतान सुख मिलेगा। जैसे माँ दुर्गा की आपके पास पीतल की, अष्टधातु की, चांदी या सोने की मूर्ति है, आप दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर लीजिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए
ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्यजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मे आवह ओम तामह आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी मत्स्या हिरण्यम बिंदेयम गामश्व पुरुषाणाम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनादय प्रमोदिनीम श्रीम देवी वह श्री रमाम देवी युक्ताम कांसोस्मिताम हिरण्य प्रकार माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेश्वरे पद्मवर्णाम ताम उपवैश्यम। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए और आप दक्षिणावर्ती शंख के पूंछ की तरफ से दूध की धारा श्री यंत्र या माँ के विग्रह पर, माँ के मूर्ति पर अभिषेक करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितना बड़ा पूर्व जन्म का दोष आपको हो और संतान प्राप्ति में विघ्न हो, अगर आप श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए नित्य भगवती का अभिषेक गाय के दूध से करना शुरू कर दें, तो इन 9 दिनों में ही जो आपको पुण्य प्राप्त होगा वो आपके घर में किलकारी गुजारने के लिए पर्याप्त होगा। और जो लोग इस तरह का अनुष्ठान 5 नवरात्रों में कर लेते हैं वो तो निश्चित रूप से तेजस्वी और सूर्य के समान ऊर्जावान संतान के पिता बनने का, माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अगर प्रतिमा नहीं रखी पंडित जी, अगर चित्र है तो? चित्र का अभिषेक कैसे होगा बेटा? हाँ। चित्र का अभिषेक नहीं हो सकता। तो इस मंशा के साथ अगर करना है तो आपको प्रतिमा लानी। आप श्री यंत्र रख सकते हैं, श्री यंत्र की भी अगर आप पूजा करते हैं, श्री यंत्र का भी अगर आप अभिषेक करते हैं, वो सिद्धिदात्री का ही अभिषेक माना जाएगा। श्री यंत्र स्फटिक का होना चाहिए या पारे का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए या सोने का होना चाहिए। जिनके पास श्रीयंत्र है वो श्रीयंत्र पे। हाँ, लेकिन वो वाला श्रीयंत्र जो प्लेट में मिलता है, अच्छा। प्लेट पे जो श्रीयंत्र बिकता है बाजारों में, उसके अभिषेक का कोई महत्व नहीं है। जो पिरामिड के आकार का होगा उसी का महत्व है। अच्छा। जो पिरामिड के आकार का होगा या जो कूर्म पीठ पर बना होगा, कूर्म पीठ कहते हैं कछुए के आकार की जिसकी पीठ हो, ऐसे कूर्माकार जो श्रीयंत्र होगा वही मतलब की जो है दुर्गा का स्वरूप होगा। ठीक है, अन्य किन चीजों से पंडित जी माता का अभिषेक किया हाँ, जा सकता है? अगर दही से माँ दुर्गा का अभिषेक किया जाए तो तत्काल तक्षण रोगों से मुक्ति मिलती है। और मेरा अजमाया हुआ है कि ऐसे लोगों को चर्म रोग से मुक्ति ज्यादा मिलती है। जिन्हें चर्म रोग है, एक्जिमा अप्रस या सोराइसिस की शिकायत है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं, तो आप 9 दिनों तक दक्षिणावर्ती शंख में गाय की दूध की दही रख करके और उससे आप श्रीयंत्र का अभिषेक करिए श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए, तो चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। और घी से अगर अभिषेक किया जाए, गाय के घी से, गाय के घी को पिघला करके और उससे श्रीयंत्र का अभिषेक किया जाए, विश्वास करिए आपका मान सम्मान चारों दिशाओं में बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगा। और अगर सहज से माँ दुर्गा का अभिषेक कर रहे हैं तो असाध्य से असाध्य रोग भी हो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति किडनी, हार्ट, लीवर की बीमारी से जूझ रहा है और दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, अगर वो व्यक्ति श्रीयंत्र रख करके और सहज से 16 मंत्रों को 16 बार पढ़ते हुए यदि श्रीयंत्र का अभिषेक कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दूसरे दिन से 4 आने का टेबलेट राम बाण जैसा काम करेगा। क्योंकि भगवती की यह शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। जगत जननी जगदम्बा की शक्ति पर कभी कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव हर समय माता की प्रार्थना करते हैं। शक्कर से अगर उनका स्नान कराया जाए, शक्कर का तात्पर्य यहाँ है चीनी का रस बना लीजिए या गन्ने का रस, तो ये धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। और यदि पंचामृत से माँ दुर्गा का अभिषेक कराया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। और इसी तरह से मलयागिर चंदन को घिस करके और उससे अगर दुर्गा की प्रतिमा का लेप किया जाए और गंगा जल से खूब बढ़िया स्नान कराया जाए, तो इससे यश कीर्ति बढ़ती है और तनाव दूर होता है। माँ दुर्गा का नवमी पर
आम के रस या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल में मिलाकर इससे देवी दुर्गा का स्नान कराने से पाप ताप का नाश होता है और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर माँ का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और अगर आपने मानस पूजा पढ़ी होगी तो पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। तो इस तरह से भगवती की मानसिक पूजा भी करनी चाहिए और आपके घर में दुर्गा सप्तशती होगी और उसमें दुर्गा मानस पूजा लिखा हुआ है। अगर संस्कृत में पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है तो दो चार बार हिंदी में पढ़िए, उस तरह से भाव आँखों को बंद करके बनाइए भगवती की पूजा का, तो देखिए आपको कैसे फल की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपके जीवन में दरिद्रता का वास है, आपके पास धन का अभाव है, तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए एक शख्स, कैसे माँ का पूजन अर्चन करें? देखो ऐसा है आशा, गरीबी, विपन्नता या दरिद्रता वही लोग भुगतते हैं जिन लोगों ने पूर्व जन्म में नवरात्र का व्रत नहीं किया है, देवी की आराधना नहीं किया है, कुमारी पूजन नहीं किया है, कन्याओं का दान नहीं किया है, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया है। वो लोग इस जन्म में जन्म ले करके अभाव, दरिद्रता और बहुत ही नारकीय जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। अच्छा एक चीज़ पंडित जी, छोटा सा इंटरप्शन में बीच में, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि आपको बताना है। तो जिन लोगों ने मानिए देवी की पूजा नहीं की है, लेकिन जो शिव के अनन्य भक्त हैं, जो बाल गोपाल के अनन्य भक्त हैं, फिर उनके साथ भी ये लागू होता है? देखो सच बात यह है कि एक कृष्ण जो हैं वही विष्णु हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही राधा हैं, वही शिव हैं, वही ब्रह्मा हैं और वही चराचर जगत में आपके अंदर भी वही हैं, हमारे अंदर भी वही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सब रूपों में हैं। लेकिन अब आपके प्रश्न का उत्तर ऐसे मिलेगा कि जैसे बिजली तो एक ही है, लेकिन एसी एक ऐसा उपकरण है जो हमें आपको जो है थोड़ा ठंडा कर रहा है, और वही उपकरण जो लाइट है वो हमें आपको गर्मी प्रदान कर रही है, हीटर गर्म कर रहा है। तो यहाँ उपकरण की बात है, शक्ति तो एक ही है, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममापरा, शक्ति तो वही एक है, जो चाहे आप उसको दुर्गा के रूप में देखो, चाहे शिव के रूप में देखो, चाहे विष्णु के रूप में देखो, शक्ति वही है, लेकिन उपकरण के हिसाब से, उपकरण के हिसाब से कार्य बदला हुआ है। तो जिस उपकरण से जो कार्य होता है हमको उस तरह से ही उसकी संपन्नता करनी चाहिए। ठीक है, उसमें भेद है लेकिन महानी। तो कैसे क्या करें पंडित जी दरिद्रता के लिए आज? देखिए दरिद्रता निवारण के लिए तो पहला काम आदमी को ये करना चाहिए कि तन्मय हो करके मंदिर में एक लोटे पर कलावा बांधकर उसमें शहद भरकर माँ के चरणों में रखना चाहिए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए और हो सके तो वो नारियल आपको तोड़ना भी चाहिए। वो नारियल की बलि मानी जाती है और उस नारियल के अंदर उसको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को पाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय अर्थात मध्यम चरित्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए समय अभाव है या आपका अध्ययन अच्छा नहीं है या आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ भी हिंदी में ही अगर कर लें तो ये मध्यम चरित्र का पाठ भी आपको पूरे पाठ का फल दे देगा। अगर आपके हर काम में रुकावट आ रही है तो उससे रुकावट भी दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।
आज काल चक्र में पंडित जी आपको नवरात्र की नवमी से जुड़े बेहद अचूक उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। परिवार पर अगर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, परिवार में कोई अपना लगातार दुखी है, परिवार में क्लेश बना रहता है, तो आज है महानवमी और ऐसे में आपको कौन सा महादान देना चाहिए जिसे देकर इन सभी कष्टों से मुक्त होने का वरदान माँ दुर्गा से आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से दान है जो ऐसी चीजों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, बुरी नजर हो, परिवार में क्लेश हो, इन तमाम चीजों से छुटकारा दिलाते हैं, कैसा दान? देखो, माँ दुर्गा का स्मरण करने मात्र से ही दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों जो ताप है ना, वे नष्ट हो जाते हैं। और नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को सिंदूर देने से या दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियाँ देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर कन्याओं को काजल देने से या उनके आंखों में काजल लगाने से परिवार में हमेशा बुरी नज़र से बचाव होता रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की हर समय कृपा बनी रहती है। आप देख लीजिए, बहुत लोगों से मैंने पूछा है, आप लोगों से भी पूछा है, पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी माता को देखा है, कभी आप लोगों ने देवी को देखा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप पास हो गए, अगर आपका जवाब ना है तो आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपके घर में है तो माता की मूर्ति है, तो प्रतिमा, तो आपने कैसे नहीं देखा है? मैंने तो ये नहीं कहा कि सिंहवाहिनी माता साक्षात आई हुई हैं, उनको आपने देखा है कि नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माता को देखा है तो आपने माता का स्वरूप देखा है, आप कहिए कहाँ देखा है। क्योंकि जब तक आप अपने घर की देवी में माता को नहीं देखेंगे, तब तक आप विंध्यवासिनी के अंदर भी माता नहीं देख पाएंगे, तब तक आप वैष्णो देवी में भी माता को नहीं देख पाएंगे, तब तक आप कोल्हापुर जाके भी माता को नहीं देख पाएंगे। पहले अपने घर की महालक्ष्मी में आप उन्हीं को देखिए कि ये साक्षात माता हैं, और उनका उसी भाव से पूजा उपासना करिए जिस भाव से आप बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के करते हैं, उसी श्रद्धा से अपने घर की भी, मंदिर की। और आप ये मत कहिए कि मैंने माँ को नहीं देखा है, देखा है, मुझे माँ की सेवा करने का अवसर मिलता है, माँ की सेवा करता हूँ, ये सब चीज़ें कहना चाहिए और करना चाहिए। जरा सा भी अगर श्रद्धा में कमी आई, आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आपने कृष्ण भगवान को देखा है, नहीं, अरे वृंदावन जाते हो तो देखते हो, अयोध्या जाते हो तो देखते हो, और घर में नहीं देखते हो। जब तक प्रभु को यहाँ नहीं देखोगे, तब तक दूसरी जगह देखने का मतलब क्या है? जब तक हृदय में नहीं देखते, जब तक अपने पूजा स्थान में नहीं देखते, तब तक दूसरे जगह देखने का मतलब क्या है? तो इसलिए हर जगह उन्हीं को देखो, और हर जगह वही हैं, तब तो अपने आप जीवन पार हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब वैवाहिक जीवन में क्लेश हो या अनबन है पति पत्नी के बीच, तो आज आपको माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ उपाय आज आप कर सकते हैं? वैसे बहुत सारे पंडित जी आपने इससे पहले भी पारिवारिक जीवन को लेकर, पति पत्नी में सामंजस्य को लेकर बताया है, लेकिन माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें कि जो थोड़ा बहुत भी रह गया है, एक क्लेश मात्र, वो भी खत्म हो जाए पति पत्नी? देखो, लड़कियों को तो साफ कहता हूँ, देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम, देहि यशो देहि दुसो देहि। जो कन्याएं इस मंत्र का स्मरण करती हैं, उन्हें निश्चित रूप से देव स्वरूप पति की प्राप्ति होती है, और दोनों में कभी मनोमालिन्य नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दो शरीर और एक आत्मा होते हैं, ठीक है। और लड़कों के लिए कहा गया है, पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। वो व्यक्ति बहुत धन्य है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको एक सद्गुण स्वरूपा पत्नी मिल जाए, उससे भाग्यशाली ज़्यादा कोई नहीं होगा। कर्दम ऋषि ने 12,000 वर्ष तक तपस्या भगवान विष्णु की थी, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भागवत में कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि
कि वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक अपने योग्य जो है धर्म भार्या चाहिए। 12,000 वर्ष की तपस्या का परिणाम पत्नी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मनु की पुत्री है देवहूति, वो आज के तीसरे दिन लेकर आएंगे, आपसे उसका विवाह करेंगे, और इसके बदले में आपको मैं एक चीज और देता हूँ, मैं श्रीहरि स्वयं आपके पुत्र के रूप में देवहूति से जन्म लूंगा। और भगवान कपिल के रूप में आकर के भगवान विष्णु ने कर्दम ऋषि के यहाँ जन्म लिया। तो कहने का आशय यह है कि जब उपासना होगी, जब साधना होगी, जब सिद्धि मिलेगी, तो सब कुछ दैवी संपदा से युक्त होगा। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट अगर घुल गई है तो माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाइए, माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए, माँ दुर्गा को मिश्री लौंग पान अर्पित करिए और भैरव जी को भी मालपुए का भोग लगाइए। दुर्गा सप्तशती के धार्मिक किताबें, शंख और घंटी का दान दुर्गा मंदिरों में भी करिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपके जीवन में पैसों का संकट है, आमदनी से ज्यादा आपका खर्च हो जाता है, बचत शून्य है, तो आज आपको इस समस्या का निदान कैसे आज महानवमी के इस खास दिन पर मिल सकता है और किस चीज के दान से मिल सकता है? पंडित जी, ऐसे में क्या उपाय करें, क्या दान करें? देखो, आर्थिक संकट अगर है, पैसे की कमी घर में है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो नवमी से शुरू करते हुए 5 गुरुवार किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी का पैकेट, नेल पॉलिश, लाल चूड़ियाँ, रिबन, कुमकुम, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और 1 सीसी इत्र की बांधकर देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ इत्र भी दान करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तरक्की चाहते हैं तो भी, कारोबारी हैं और मुनाफा चाहते हैं तो भी, कैसे मुनाफा बढ़े इसके लिए आज महानवमी पर आपको माँ दुर्गा को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए और कैसे बनेंगे आपके ये तमाम काम पंडित जी? ऐसा है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी जो है वो सरस्वती है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां सत्व, रज और तम गुणों से युक्त हैं और पूरी सृष्टि इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में है। सृष्टि में कोई भी ऐसा जड़ जीव चेतन नहीं है जो इन तीन गुणों से परे हो। तीन गुणों से अगर परे हो जाए तो चौथा गुण जो होता है वो भगवान की शरणागति का गुण होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण त्रय गुणई विषय आवेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुन। तीन गुणों से युक्त हैं वेद, अर्जुन तुम तीनों गुणों से अलग हो जाओ। तो तीनों गुणों से अलग होना क्या है? भगवान की शरणागति, वो चौथा गुण है जहां कोई कर्म बंधन व्यक्ति को नहीं बांधता। वेद भी इससे अछूते नहीं है पंडित जी। वेद भी त्रय गुणई विषय वेदा, वेदों में भी तीनों गुणों की ही चर्चा की गई है और देवी भागवत में साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये ईश्वर की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तब हो सकती है जब ईश्वर अपने आप को आपको प्राप्त कराना चाहें। जानै सोई जेहू देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। और दूसरी बात, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान का प्राकट्य सिर्फ प्रेम से होता है, वो सेवरी के यहाँ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वहीं दंडकारण्य में तमाम ऋषि मुनि थे, किसी के घर नहीं गए, किसी के आश्रम पे नहीं गए, सीधे सबरी माता के यहाँ गए, विदुरानी के केला का छिलका खाने चले गए, द्रौपदी की लाज बचाने चले गए। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तुलसीदास जी माना नहीं लिख रहे हैं,
प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते ही मैं जानता हूँ, और हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन अगर अभी हमारे अंदर एक क्षण के लिए उनके प्रति बेचैनी हो जाए कि अब तो जिया नहीं जा रहा है, अब मर जाऊं ठीक है लेकिन प्रभु दर्शन दो, आप देखो एक मिनट में दर्शन हो जाएगा। लेकिन हम देहाभिमान में हैं, जहां हमें दिल लगाना चाहिए वहां हम दिमाग लगाते हैं, और जहां हमें दिमाग लगाना चाहिए वहां हम दिल लगाते हैं। भगवान में हमें दिल लगाना चाहिए तो वहां हम दिमाग लगाते हैं, और मनुष्यों में हमें दिमाग लगाना चाहिए वहां हम दिल लगाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि माँ दुर्गा जो है ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी है और त्रिगुणात्मिका है, ये सब कुछ कर सकती है। माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है, सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर, चंपा, गेंदे का फूल चढ़ाने से परीक्षा में सफलता मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति अपार मिलती है। जानते हैं जो लोग 1000 फूलों से कमल के और ललिता सहस्त्र नाम के 1000 नामों से और भगवती दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करते हैं, अरे वो समझ लो चक्रवर्ती राजा की तरह राज करते हैं। उनके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता, उन्हें धरती पर कोई पराजित कर ही नहीं सकता। बस करना है 1000 कमल के फूल की व्यवस्था। खान पान सात्विक रहना चाहिए, आचरण सात्विक रहना चाहिए, ये नहीं कि पंडित जी ने बता दिया कि 1000 कमल के फूल चढ़ा दोगे तो राजा बन जाओगे। खान पान अगर सात्विक नहीं है, आचरण सात्विक नहीं है, पत्नी का सम्मान नहीं करते हो, कन्या का सम्मान नहीं करते हो, माँ बाप का सम्मान नहीं करते हो, तो सारी पूजा जो है वो बालू में पानी गिरने के बराबर हो जाएगी। इसलिए सारी पवित्रता के साथ अगर ये पूजा कर दी जाए तो आप अपने जीवन में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, आप जो मन में कामना करेंगे भगवती उसे भी पूरा कर देगी, और इससे सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी कन्याओं की जल्दी शादी होती है और तेजस्वी वर के साथ होती है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर अगर देवी के सामने अर्पित किया जाए तो इससे भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाकर नवमी पर देवी दुर्गा को आहुति देने से कारोबार में भी वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कैसे बनेंगे आज आपके सभी काम, आपके मन की इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी, बहुत गौर से सुनिए, पंडित जी आपको हर एक जानकारी आज विशेष कर दे रहे हैं। तो आज महानवमी पर कैसे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको भी मिल सकती है निरोगी काया, इसकी भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पंडित जी कहते हैं ना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन, अमूल्य धन। तो कैसे निरोगी काया मिलेगी, आज क्या किया जाए? देखो ऐसा है, ये जब काया का निर्माण होता है ना तो प्रभु उसी समय इस शरीर के साथ सुख और दुख जो है वो लिख देते हैं कि कब इस शरीर को क्या होना है, कब इस शरीर को क्या होना है, कब इस शरीर को क्या होना है, कब सुख मिलना है, कब दुख मिलना है, प्रारब्ध। लेकिन जो लोग भगवती के शरणागति में हो गए हैं उनके प्रारब्ध को भोगने में भगवती मददगार साबित होती हैं। तो कहने का आशय मेरी ये है कि बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करना चाहिए अपने घर के पूजा स्थान में। भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करें। राजोपचार किसको कहते हैं? 64 प्रकार से पूजा जो की जाती है वो राजोपचार है। लाल रंग का एक झंडा अपने घर के ऊपर लगाना चाहिए, माँ दुर्गा के मंदिर में लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को पंचमेवे का सुंदर भोग लगाना चाहिए, लाल चंदन की लाल कपड़े में लपेटकर लाल चंदन की लकड़ी देवी दुर्गा के सामने अर्पित करनी चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का भी पाठ कर लिया जाए तो इससे भी कल्याण होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपके विरोधी आपको लगता है कि आपका काम बिगाड़ने लगे हैं, शत्रु मान सम्मान मिटाने में जुटे हैं, तो महानवमी पर कौन से उपाय आप करें पंडित जी, शत्रु बाधा खत्म करने के लिए क्या करें? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मदैर्विनाशनम।
जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है, वही भगवती सिद्धिदात्री का दिन है आज। जिनका स्मरण मात्र करने से शत्रुओं का संहार हो जाता है, तो विरोधी अगर परेशान कर रहे हैं तो दुर्गा मंदिर में बेल का फल माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास आपको रखना चाहिए। दुर्गा मंदिर में ही माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करने के बाद कन्याओं को और बटुक भैरव की पूजा करें। ये बटुक भैरव क्या होते हैं? 12 साल के नीचे का कोई लड़का नौ कन्याओं के साथ जब बैठता है तो उसकी भैरव रूप में पूजा होती है। नौ कन्याओं की पूजा तब तक अधूरी है जब तक भैरव की पूजा ना हो, इसलिए भैरव की भी पूजा होनी चाहिए। भैरव के माथे पर भी तिलक होना चाहिए, उन्हें भी माला पहनाई जानी चाहिए, उन्हें भी बहुत सम्मान के साथ भोग पवाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पहले दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र का पाठ है, और अगर आप दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठक हैं तो संपूर्ण सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि घर में किलकारी गूंजे, सर्वगुण संपन्न ऐसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, आपको मनचाहा जीवन साथी मिले, नौकरी में तरक्की हो, कारोबार में मुनाफा प्राप्त हो, तो आप जानते हैं कि श्रृंगार सामग्री दान की जाती है। आज पंडित जी उसका महत्व भी आपको बता रहे हैं। तो अगर ये तमाम इच्छाएं आपके भी मन में हैं तो श्रृंगार सामग्री से जुड़ी कौन से उपाय आज आप कर सकते हैं और कैसे आपके सारे कष्ट इससे दूर होंगे? पंडित जी, श्रृंगार सामग्री में क्या क्या दान करें इन तमाम चीज़ों के लिए जो मैंने अभी कहा, संतान सुख के लिए? देखो, ऐसा है आशा, जैसे भगवती जो है ये तो आदिशक्ति राजराजेश्वरी हैं, इनके कृपा कटाक्ष से पूरा त्रिलोकी चलता है, तो इन्हें किस चीज़ की कमी है, इन्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मान लो कि तुम्हारे चार बच्चे हैं और तुमने ले आकर के चारों को चार केले दिए और तीन ने अपना केला छिल करके खाना शुरू कर दिया और एक बच्चे ने आकर के आपके गोद में बैठ के और छिल करके कह रहा है पापा पहले आप, मम्मी पहले आप, पहले आप, पहले आप, तो आप उसको ज़्यादा लाड़ करोगे और उसको गोदी में बैठा के आप अपने हाथ से पवाओगे। तो इसी तरह से जब माता के प्रति हम श्रद्धावनत हो करके और किसी महिला में उसी देवी का स्वरूप देखते हैं, सुहागन को क्यों कह रहे हैं? ताकि हम देवी का स्वरूप उसी महिला में देखें, उसको साधारण महिला ना समझें, देवी का स्वरूप ही समझ करके। और उसको जब कोई वस्तु देते हैं तो प्रतिकार में जैसे गोदी में बैठा के आप बच्चे को लाड़ भी करते हो, खिलाते भी हो, उसी तरह से माता आपको गोदी में ले लेती हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने लगती हैं। और एक चीज़ ज़रूर बताइए पंडित जी, इसके साथ साथ क्या दान करें कि कंजूसी ना करें, कम से कम जो आपका सामर्थ्य है उस अनुसार तो दान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, सामर्थ्य के अनुसार ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें सामर्थ्य से बढ़कर और पूरी श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ किया हुआ दान ही दान होता है। जब दान हो तो महादान हो। महादान हो, महादान का मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार और पूरे उत्साह के साथ देना चाहिए। पूरे उत्साह के साथ, मन में किसी तरह का खर्चा हो गया वाला भाव नहीं आना चाहिए। तो भैया देखो, संतान सुख पाने के लिए नवरात्र की नवमी के दिन किसी भी छोटी कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करिए, उनको भोजन कराइए या फिर पांच तरह की श्रृंगार सामग्री भेंट करिए और माँ दुर्गा को केले का भोग लगाइए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवमी पर महागौरी को चुनरी चढ़ाएं और एक मौली जरूर बांधें। कारोबार में सफलता के लिए नवमी के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र की शीशी चढ़ाकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद उस इत्र को अपनी दुकान या फैक्ट्री में छिड़कें। एक ऐसा उपाय आपको बताता हूँ, आप करके देखिएगा। आज नवमी है, जो महिलाएं आज के दिन नौ कुमारी कन्याओं के पैर में आलता लगाती हैं और हर कुमारी कन्या के पैर में चांदी की पायल बांधती हैं, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो, हर कन्या के पैर में चांदी का पायल बांधती हैं और हर कन्या को आलता लगाती हैं और माला पहना के माथे पर चंदन लगा करके उन्हें भोजन पवाती हैं, प्रसाद पवाती हैं और दक्षिणा देती हैं। विश्वास करो, चाहे जन्म सात जन्मों की दरिद्रता हो वो भी जल करके भस्म हो जाएगी और नवरात्र के बाद से ही आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, केवल आप
पूर्ण आस्था विश्वास के साथ ये सोचिए कि मेरे घर में ये नौ कन्याएं नहीं साक्षात नौ देवियां आई हैं, और इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करो आपके हर बेडरूम में जाएं, आपके ड्राइंग रूम में जाएं, आपके किचन में जाएं, आपके हर जगह इनका पैर पड़े, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और इनके चरण के प्रभाव से आपका घर पवित्र हो जाए। जय माँ विंध्यवासिनी। और ऐसा माना जाता है कि अगर घर में वास्तु दोष है तो समझ लीजिए कि जीवन के हर क्षेत्र में मामूली या फिर गंभीर दोष आना तय है। तो ऐसे में वास्तु दोष को मिटाने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए, क्या आप जानते हैं कि आज महानवमी के अवसर पर दुर्गा मंदिर में किया कुछ खास दान आपको इन चीजों से मुक्ति दिला सकता है? तो वो कौन सा दान हो पंडित जी, वास्तु दोष से जुड़ा? देखिए, वास्तु दोष तो ऐसा दोष है जो मतलब कि व्यवस्था का दोष है। अगर प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था नहीं है तो वास्तु दोष होगा और इसका दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। तो माँ दुर्गा के मंदिर में अगर धातु या मिट्टी का बना हुआ कछुआ नवरात्र में कौड़ियों के ऊपर अगर स्थापित किया जाए और माँ दुर्गा का अभिषेक किया जाए, माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाया जाए अपने घर के पूजा स्थान में, इससे भी वास्तु दोष में कमी आती है। जय माँ विंध्यवासिनी। आज नवरात्र की महानवमी है, आज किया हर उपाय, पढ़ा गया हर पाठ, जपा हर मंत्र, दिया हर दान, नवरात्र की पूजा को न सिर्फ पूर्ण करेगा बल्कि आपको कर्मों का अच्छा फल भी देगा। बुरी नजर चाहे अपनों की हो या फिर परायों की, बुरी नजर का असर कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। इन नकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी, अपने परिवार की रक्षा कैसे करें और क्या उपाय करें आज, इससे जुड़ा आइए आप जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नजर का दोष तो होता है और बहुत बुरा, घातक तक होता है, इस नजर दोष को कैसे खत्म भस्म किया जाए आज? देखो, नजर दोष तो होता है और नजर दोष के लिए किसी मंत्र उन्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कोई चीज बहुत जरूरत से ज्यादा भाग गई, वही नजर है। तो बार बार आपको किसी की नजर अगर लग रही है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के चार दिए जलाइए, दिए में कलावे की बाती और नारियल का तेल डालिए, इससे निश्चित रूप से आपके घर का नजर दोष समाप्त होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप कलावे की बाती डालते हैं, नारियल का तेल प्रज्वलित करते हैं, तो उससे आपके घर का नजर दोष अपने आप खत्म होने पर आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा के चरणों में एक दुर्गा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेट करके स्थापित करिए, शंख में पंचामृत भर करके देवी दुर्गा के चरणों में रखिए, माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए, पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन इसका शहद मिश्रित जल से अभिषेक करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर इतना आप नहीं भी कर सकते हैं ना, तो एक काम करिए कि कोई श्रीयंत्र या कोई दुर्गा प्रतिमा हो आपके पास, तो कहीं सिद्धपीठ में अगर आप गए हैं, जैसे विंध्यवासिनी हो गया, कोल्हापुर हो गया, कामाख्या हो गया, यहाँ मतलब कि जो है अपने सहारनपुर के पास शाकंभरी देवी का स्थान हो गया, तो वहाँ वो प्रतिमा लेकर जाइए, पुजारी को दे दीजिए, पुजारी मूर्ति से स्पर्श करा कर आपको दे दें तो आपकी प्रतिमा जागृत हो गई, और ले आकर के उसकी विधिवत पूजा करिए, बस किस्मत चमक जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर किस्मत के साथ कुंडली के ग्रह भी साथ छोड़ दें, भाग्य और आयु को हानि पहुंचने लगे, ऐसा आभास अगर आपको हो रहा है, तो आज नवरात्र की नवमी है और आप क्या उपाय करें, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके लिए क्या बताएंगे? बहुत गंभीर है क्यों? देखो, गंभीर तो है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। हमें अपने पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध हैं उनको तो अवश्यमेव भोगना पड़ता है, शुभ और अशुभ जो कर्म है उनको तो भोगना पड़ता है, लेकिन भगवती की आराधना करने से उस समस्त संचित पाप कर्मों का विध्वंस किया जा सकता है। अगर भगवती की आराधना की जाए और भगवती की आराधना में तन्मयता बरती जाए, देखिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आप भगवती की आराधना भी कर रहे हैं और अगर आप मनमानी आचरण भी कर रहे हैं, तो आपकी पूजा तो ऐसे ही होगी कि जैसे अंधा बटे और पड़ा चबाए, मतलब कि अंधा आदमी जो है वो रस्सी बना रहा है, मतलब पूजा भी कर रहे हैं और पूजा करिए और मनमानी आचरण करिए। अच्छा, कम से कम आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक आपका विचार रहना चाहिए, आचरण आपका पवित्र रहना चाहिए, खान पान आपका पवित्र रहना चाहिए,
दुनिया के प्रति आपकी सोच अच्छी रहनी चाहिए। नियमों का तो पालन करना पड़ेगा ना, तब ये भगवती की पूजा आपके जीवन में चमत्कार करेगी। अब जैसे कुंभकर्ण की तरह आप निकुंभिला देवी को सिद्ध करने लगेंगे और राम के ही खिलाफ, तो नाश तो रावण का ही होगा। तब वहां देवी थोड़ी अपनी शक्ति दिखाएंगी कि जाके राम को हरा देंगे। तो आप न्याय पर भी रहिए और आप वही माता से डिमांड करिए, वही मांग करिए जो आपके लिए उचित हो, जो आपके लिए उचित हो। किसी के पराभव के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए आप माता से कोई प्रार्थना मत करिए। और होता क्या है कि लोग मतलब कि दूसरों के नुकसान करने के लिए ज़्यादा अपनी पूंजी लगा देते हैं, अपनी तपस्या लगा देते हैं। 9 दिन आपने व्रत रखा और 1 दिन गुस्से में किसी को आपने कुछ कह दिया, सारा पुण्य आपका समाप्त हो गया। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी कुंडली में अगर किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है, जाया कुटुंब काधीसौ मार्को प्रकृति तो दूसरे और सातवें भाव का स्वामी मार्ग ग्रह कहलाता है, तो दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने एक चौमुखा दिया जलाइए और माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिए, नारियल का भोग लगाइए और माँ दुर्गा को मेहंदी के साथ साथ सुपारी अर्पित करिए और दुर्गा मंदिर में बैठ करके दिव्य अथर्व शीर्ष का 100 पाठ करिए। आप जानते हैं 100 पाठ करने से क्या होगा? भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत सह महामृत्युम तरत यहैव वेदः इत्युपनिषदः। साफ साफ लिखा हुआ है दिव्य अथर्व शीर्ष में कि मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो, और यदि किसी सिद्ध पीठ में देवी की प्रतिमा के सामने इसका पाठ किया जाए तो ऐसा व्यक्ति महामृत्यु से भी तर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। आज नवरात्र की महानवमी है। आज किया हर उपाय, पढ़ा हर पाठ, जपा हर मंत्र, दिया हर दान नवरात्र की पूजा को न सिर्फ पूर्ण करेगा बल्कि आपको कर्मों का अच्छा फल भी दिलाएगा। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आज के दिन अपने प्रोफेशन से जुड़ा कौन सा दान आपके लिए बेहद शुभकारी, बेहद लाभकारी होगा और आपको तरक्की दिलाएगा, अब पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, हम अपने व्यापार के अनुसार कौन सा दान करें, क्या बताएंगे आप, किसके लिए कौन सा दान जो है वो महादान बन जाता है? देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी पाने के लिए या सरकारी नौकरी में तरक्की पाने के लिए आज नवमी पर ललिता सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को तारा कोच का पाठ करना चाहिए। गाय को हरा चारा और हरी मूंग खिलानी चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े लोगों को आज नवमी के दिन लक्ष्मी सहस्र नामावली का पाठ करना चाहिए। राजनीति में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में चांदी की बिछिया अर्पित करनी चाहिए। खेल के फील्ड से जुड़े लोगों को आज दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और चीज बता दीजिए, मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों को क्या दान करना चाहिए, हम जैसों को क्या दान करना चाहिए, जो लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको क्या दान करना चाहिए? मीडिया क्षेत्र के लोगों को मेरी समझ से रेशम के कपड़े, रेशमी कपड़े कुमारी कन्याओं को देना चाहिए। अगर रेशमी कपड़े या मतलब कि पेपर सिल्क का कपड़ा छोटी कन्याओं को दिया जाए तो मीडिया के क्षेत्र में आदमी बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मीडिया का क्षेत्र उसे मिलता है जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, ये विलासिता का ग्रह है, और वही व्यक्ति मीडिया में ऊंचाई प्राप्त करता है जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। और शुक्र ग्रह को अच्छा बनाए रखने के लिए रेशमी कपड़े दान अगर किए जाएं, रेशमी वस्त्र, रेशमी परिधान दान किए जाएं, तो निश्चित रूप से तरक्की। एक और वर्ग के लिए पूछना चाहूंगी पंडित जी, और वो वर्ग जो है इस वक्त हमारे देश में सबसे ज्यादा असंतुष्ट वर्ग उसको कहा जाता है, और बड़ी तादाद उस वर्ग की है, वो है बेरोजगार युवाओं की, वो क्या दान करें कि वो जो रास्ते है ना वो खुले उनके? देखो, बेरोजगार लोगों को दान जो करना चाहिए वो तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक फूल भी हाथ में लेकर के और माता के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दें तो माता आपको समझ रही हैं, आपकी परिस्थिति को समझ रही हैं, आपको इतने में ही वो अपना लेंगी। लेकिन बेरोजगारों को अपनी योग्यता के अनुसार काम का चयन भी करना चाहिए। आशा दुर्भाग्य इस विषय का है, कुछ लोग नाराज भले हो जाएंगे हमसे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए,
142 करोड़ के देश में क्या संभव है सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अगर काम करना चाहें तो काम करने के लिए कमी नहीं है, काम करने के लिए कमी नहीं है, लेकिन हाँ बेरोजगारी है, ये भी सच है। छोटा सा देश है, गुब्बारे जैसा देश है, 142 करोड़ की आबादी है, बेरोजगारी होना स्वाभाविक है। और ऐसे में हमें भगवती की आराधना करनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ का परिचय देना चाहिए, अपने योग्यता के अनुसार कर्म करना चाहिए, बाकी सब माता ठीक कर। हौसला नहीं खोना चाहिए। हाँ। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। उसके लिए क्या उपाय करने हैं आपको पंडित जी ने बता दिए हैं। आप सभी का कल्याण हो यही कामना करते हैं। और पंडित जी बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत चर्चा के लिए। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।